बिहार में जाति आधारित गणना के मामले में नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। मामले में बिहार कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए गणना पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से भी नीतीश सरकार को राहत नहीं मिली और सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। याचिकाकर्ता वकील वरुण कुमार सिन्हा ने इस संबंध में जानकारी दी है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जातीय जनगणना से संबंधित बिहार सरकार की याचिका सूचीबद्ध की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज उसकी सुनवाई हुई और जो बिहार सरकार के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट और उनके एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने इस बात पर पुरजोर बल दिया कि उनकी याचिका को स्वीकृत किया जाए और पटना उच्च न्यायालय की 4 मई 2023 की जो आदेश है, अंतरिम आदेश जिसके माध्यम से जनगणना पर रोक लगा दिया गया है, उस आदेश को स्टे किया जाए। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काफी सुनवाई करने के बाद उनके दलील को अस्वीकृत कर दिया, यह कहते हुए कि चूंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय इस मामले की फाइनल सुनवाई 3 जुलाई को करने जा रही है, तब तक माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय उसमें इंटरफियर नहीं करेगी, उनके आदेश का इंतजार करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 जुलाई की डेट मुकर्रर की है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय न तो उस पर नोटिस जारी किया है, न ही किसी तरह का स्थगन आदेश दिया है, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय से रिक्वेस्ट किया है कि वो अगली तारीख पर इसकी सुनवाई करें। तो आज यही हुआ, बिहार सरकार की याचिका पर आज कोई अंतरिम आदेश उनके पक्ष में नहीं दिया गया है और सारा दायित्व जो है हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ा गया है कि हाई कोर्ट सुनवाई करेगी और वही अंततः इस पर फाइनल फैसला देगी। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है, जाने उनका क्या कहना है। लेकिन मेरा मानना है कि देश के एक छोटे लेकिन प्रभु वर्ग को शायद अंदाजा नहीं है कि इस जनगणना की कितनी ज्यादा जरूरत है और कितनी अर्जेंसी के साथ है। अब जातिगत जनगणना या सर्वेक्षण का एकेडमिक डिबेट अपनी जगह, लेकिन क्या इस डिबेट से उस चीज पर पर्दा डाल सकता है जिसकी एक व्यापक 80% आबादी को फौरन आवश्यक है, फौरन जरूरत है। हम भी जानते हैं कि सेंसस सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट में, लेकिन क्या तमाम सर्वे बंद हो जाए? अगर इतना विशाल हृदय हमारे यूनियन का होता तो इस महती मांग को के पक्ष में खड़ी होती। मेरी चिंता यह है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जब भी बैठक हो हमारे न्यायाधीश ये देखें कि इसको एकेडमिक से ज्यादा एक व्यापक समझ की जरूरत है, जिसके आधार पर हमारी नीतियां तय होंगी, जिसके आधार पर एक जो सोशल जस्टिस का फ्रेमवर्क है उसको रिविजिट किया जा सकेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।